हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो इस ठंड भरे मौसम में हम पढ़ने जा रहे हैं GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, और आज हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जानने के लिए आपको रेजोनेंस समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको रेजोनेंस की सीरीज का 3rd लेक्चर बोला है। इसके पहले मैंने आपको यह बताया कि रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे डिसाइड करते हैं। खैर, आपको थोड़ा बहुत रेजोनेंस भी आता है तो यह लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट से सवाल बहुत आते हैं कंपटीशन में, जैसे आज की वीडियो में हम IIT JEE मेंस 2013, IIT 2009, IIT 1997 के सभी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, और कुछ उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो अभी तक नहीं आए हैं। सो कॉपी और पेन को निकालना है, नोट्स को बनाना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है और नोट्स को संभाल कर रिवाइज करना है। इसके बाहर से आपको मेसोमेरिक इफेक्ट टॉपिक का सवाल नहीं मिलेगा, इसीलिए यह वीडियो लंबा है क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है। तो स्टेप वाइज स्टेप चलो। अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करें रेजोनेंस 01 फिजिक्स वाला और उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज आवर चैनल फिजिक्स वाला। सो लेट अस स्टार्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है? तो कई लोग बोलते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस सेम है। मैंने पहले ही वीडियो में जीओसी के बताया था कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है? इंटरनेट पे भी ढूंढोगे तो करीब करीब सेम मिलेंगे इंटरनेट पे भी। चलो, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है? अल्कोहल है, OH लगा हुआ है लास्ट में। प्यारे बच्चों, आपको क्या यहां पर रेजोनेंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, यानी बढ़िया कंजुगेशन है। मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए भी कंजुगेशन कंपलसरी है, जैसे रेजोनेंस के लिए था। अच्छा, यहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे? आपको पता है ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। मतलब इस OH ग्रुप ने क्या किया, इस OH ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थ्रू रेजोनेंस। देखो, एक तो तरीका था इंडक्टिव इफेक्ट वाला कि इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, वो नहीं। यहां पे बात हो रही है रेजोनेंस की। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब उतर जाएंगे कंपाउंड के अंदर, और कंपाउंड के अंदर भाई साहब रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, होगा। इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2NO2 नाइट्रो ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप। क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब मस्त कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? अगर हम यहां पे देखें तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, आई रिपीट, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएंगे, मतलब रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो तो इस NO2 ग्रुप ने क्या किया, इसने पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। देखो, N जो था वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी। उसमें क्या होता था कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। यहां वो नहीं, यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा थ्रू रेजोनेंस। ये जो दो तरह के इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना थ्रू रेजोनेंस,
इस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। यदि 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 एनी ग्रुप और एटम डोनेट्स स्लैश विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस देन दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोवाइडेड ये जो ग्रुप और एटम की बात हो रही है ये ग्रुप और एटम कार्बन ना हो मतलब अगर कार्बन ही खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है ना डोनेट या विथड्रॉ कर रहा है तो उसको मेसोमेरिक इफेक्ट में काउंट नहीं करते मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट सारे उन कंडीशंस को ले लो जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो या इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो थ्रू रेजोनेंस प्रोवाइडेड देने और खींचने वाला ग्रुप कार्बन ना हो तो क्या सारे रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कहला सकते हैं नहीं कहला सकते जहां पे कार्बन कार्बन में ही रेजोनेंस हो रहा है उसको मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कह सकते ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मेसोमेरिक इफेक्ट नो क्या ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट यस भाई रेजोनेंस के अंदर तो सब आता है जैसे मैं ये कंपाउंड बनाऊं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 क्या यहां रेजोनेंस होगा बिल्कुल पाई सिग्मा पाई पर यहां जो भी रेजोनेंस होगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन के अंदर होगा कोई खींचने और देने वाला ग्रुप नहीं है ये रेजोनेंस है प्योर रेजोनेंस इसको मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कह सकते रेजोनेंस ये भी है रेजोनेंस ये भी है रेजोनेंस ये भी है बट मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ये दो हैं यानी ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट जितने भी रेजोनेंस हो रहे हैं सब मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कहला सकते समझ में आ रहा है बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट फॉल्स अंडर रेजोनेंस बात क्लियर है एकदम बढ़िया से क्लियर यहां तक अच्छा अब देखो ये मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं प्लस एमओ इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस एम इफेक्ट प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करना ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को खींचे ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे प्यारे बच्चों ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा बेंजीन रिंग के अंदर तो हम जल्दी से जंप करके अगले टॉपिक पे आते हैं बेंजीन रिंग एंड मेसोमेरिक इफेक्ट अभी मेसोमेरिक इफेक्ट क्लियर है कि रेजोनेंस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को या तो विड्रॉ करना है या तो डोनेट करना है प्लस एम इलेक्ट्रॉन को दिया माइनस एम इलेक्ट्रॉन को लिया अब आते हैं बेंजीन रिंग में क्योंकि सारे सवाल इसके बेंजीन रिंग में ही मिलेंगे टेंशन मत लेना चलो हम यहां पे एक बेंजीन रिंग बनाते हैं ये बन गई इसके ऊपर एक ग्रुप लगा देते हैं एक्स यदि एक्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यदि एक्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या एक्स के पास नेगेटिव चार्ज है प्यारे बच्चों ऐसा ग्रुप क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर उतार देगा ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे और रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा मतलब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेगा एग्जांपल्स देखने हैं जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग में बना दूं और यहां लगा दूं OH ग्रुप OH के पास लोन पेयर है यहां उतरेगा ये ऐसे भागेगा मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा जैसे मान लो मैं ये बना दूं NH2 ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास भी लोन पेयर दिखे क्या बोला मैं जिसके पास भी लोन पेयर दिखे OCH3 जिसके पास भी लोन पेयर दिखे वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू 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 रेजोनेंस अभी इंडक्टिव इफेक्ट से इसको कंपेयर या कंफ्यूज मत करना जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो
इंडक्टिव इफेक्ट, अब भी बात हो रही है रेजोनेंस की, रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे मान लो यहां पे मैं लगा दूं NHCOCH3, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा जो एटम है नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, किसके पास, किसके पास, जो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो, जो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो। जैसे इसमें सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल प्यारे बच्चों आता है हैलोजन का, जैसे यहां मैं क्लोरीन लगा दूं, अब क्लोरीन सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचता है, पर वो इंडक्टिव इफेक्ट है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस। यहां कंजुगेशन की बात है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। जैसे फ्लोरीन ले लें, हम फ्लोरीन ले लें, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वन ऑफ द क्या, वैसे भी मोस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पर लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर रिंग में डोनेट करेगा। तो अपने पास सीधा कंसेप्ट है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो सभी प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर है, नोट कर ले, नोट कर ले, क्लियर है, चलिए मिटा दें, इतना पक्का क्लियर है। OHNH2 मतलब रिंग से जो सीधा सीधा जुड़ा है एटम, यदि उसके पास लोन पेयर है, यदि उसके पास लोन पेयर है तो वो शो करेगा प्लस एम इफेक्ट, OCOCH3 लगा दिया, प्लस एम इफेक्ट। क्लियर है, अब चलिए अब बात करते हैं माइनस एम इफेक्ट की। प्लस एम के लिए क्या कंडीशन है, रिंग से जो डायरेक्टली जुड़ा है उसके पास या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज। जरा माइनस एम इफेक्ट देखो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मान लो यहां लगा है N डबल बॉन्ड O, यहां एक ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, प्लस माइनस भी कर सकते थे, यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस, इस पे माइनस। खैर आप ये बताओ, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ना जाके ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। अगर नाइट्रोजन चाहे भी कि इन पाई इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ दे दूं तो नहीं दे सकता, उसको अलाउड ही नहीं है, ऑक्सीजन उससे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मांग लेगा। अब यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो बचे नहीं, क्योंकि चार बॉन्ड बना चुका है, तो वो तो भूल जाओ कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, खत्म। चार बॉन्ड पास, तीन बॉन्ड में होता है लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर से तो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, अब नहीं बचे। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कमी पड़ी, नाइट्रोजन ने रिंग से खींचा, मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा थ्रू रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। एक और देखो तो थोड़ा समझ में आएगा कि कब माइनस एम लगाना है। जैसे मान लो हम आपको दे दें सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बना दिया, बेंजल्ड ये नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजल्डिहाइड। अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं बट थ्रू रेजोनेंस, थ्रू कंजुगेशन। ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। जरा मैं समझाता हूं माइनस एम कब मिलेगा, जब रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम, समझना समझना, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम पाई बॉन्ड से अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, तब मिलेगा माइनस एम इफेक्ट। कई लोग बताते हैं कि पाई बॉन्ड देखो तो माइनस एम, ना 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 ना, रिंग से जुड़ा एटम अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, तब मिलेगा माइनस एम इफेक्ट। ये इंडक्टिव नहीं मेसोमेरिक इफेक्ट है भाई साहब। जैसे मान लो मैं ये बनाऊं टुर्रम टुर्रम टू रे टा रे ट्यू ट्यू ट्यू, मान लो ये बनाऊं कीटोन है ना, ये एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, ये सब तो आपने IUPAC में सीखा, ये एसिटोफिनोन है।
रिंग से जुड़ा एटम अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचेगा, इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस एम, इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस एम, इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस एम। क्लियर है? पक्के से क्लियर है? अब कर लेंगे, ये चीज समझ में आ रही है। रिंग से जुड़ा एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, पाई बॉन्ड से। नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कराना स्टार्ट करना अपने आप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव, अरे जैसे मान लो मैं तुमको ये बना के दूं, अरे नहीं करोगे गलती, इतने तुम समझदार हो। मान लो मैं तुमको ये बना के दूं OH, बताओ कैसे रेजोनेंस कराओगे? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ तो खींचोगे नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है तो प्लस है। जैसे मान लो मैं तुमको ये बना के दूं, अरे नहीं करोगे गलती, मुझे पता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, मान लो मैं तुमको ये दे दूं, अब क्या होगा? ये कार्बन रिंग में इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन नीचे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, माइनस एम इफेक्ट। वो अपने आप धीमे धीमे आने लगेगा तुमको, कब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कब रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लियर? माइनस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट। क्लियर हो गया है? मिटा दे इसको पक्के से। ओके ओके, तो दो तरह के मेसोमेरिक इफेक्ट हैं। प्लस एम जब लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो उस एटम पर जो रिंग से जुड़ा है, बेंजीन रिंग के ही सवाल सबसे ज्यादा मिलेंगे। और माइनस एम इफेक्ट जब जुड़ा हुआ एटम अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, पाई हैंग कर गया, पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, तब इलेक्ट्रॉन पुल होंगे। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि इनके आने से, मेसोमेरिक इफेक्ट के आने से क्या फर्क पड़ता है, है ना, क्या फर्क पड़ता है मेसोमेरिक इफेक्ट का, क्या फर्क पड़ता है रिंग पर। प्यारे बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, या तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या तो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट की, तो एक ग्रुप लेके लेते हैं, प्लस एम मतलब लोन पेयर, है ना, तो एक ग्रुप ले लेते हैं जिसमें लोन पेयर हो, प्यारा सा सुंदर सा नोट्स बनाते हैं, जो बहुत ही पॉइंट वाइज में आपको चीजें बताऊंगा, बहुत ही पॉइंट वाइज। अब ये लोन पेयर रिंग में उतरना चाहेंगे, रिंग के इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आइए रेजोनेंस करना आपको आता होगा। ये यहां पे उतरे, यहां पे डबल बॉन्ड ओ एच, ओ पे लगेगा प्लस, क्योंकि ओ ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां पे लगेगा माइनस, और इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एक बॉन्ड इधर से गया तो इधर से एक बॉन्ड आ गया। रेजोनेंस को आगे बढ़ाते हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे, रेजोनेंस करना आपको आना चाहिए। ये लोन पेयर यहां उतरे, ये यहां पे आ जाएगा, सो ये एज इट इज रह गया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रह गया, ये लोन पेयर यहां उतरा बॉन्ड, और ये आगे बढ़ गया लोन पेयर। अगली स्टेप में लोन पेयर को आगे लाए, इसको हम यहां पे घुमाएंगे। आई होप आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने अच्छे से आते हो, सही है? ये लोन पेयर यहां उतरा बॉन्ड, ये यहां खुल गया लोन पेयर। आगे अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये यहां उतरेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे पाई बॉन्ड के। सो ये एज इट इज, एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरा बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास गए ओ एच। ठीक है, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है पूरे में। अच्छा, क्लियर है? क्लियर है? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब मुझे बताओ क्या इफेक्ट हुआ प्लस एम इफेक्ट का, क्या फर्क पड़ा? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। क्लियर दिख रहा है? रिंग में इलेक्ट्रॉन इसने पुश किए हैं, तो प्लस एम इफेक्ट यानी जहां भी रिंग से कोई ऐसा एटम जुड़े जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, वो रिंग को लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देगा थ्रू रेजोनेंस, और पूरी रिंग में जाएगा वो नेगेटिव चार्ज, पूरी रिंग में घूम रहा है। क्यों भाई? रेजोनेंस की वजह से। सो प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज हो रही है, सारी पोजीशंस पे कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ज्यादा हो रही है? मेरे ख्याल से इस पर और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आई है, बाकी कहीं देखो नेगेटिव चार्ज नहीं आया। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो इसको हम बोलते थे ऑर्थो, इसको बोलते थे मेटा, इसको बोलते थे पैरा। इसके रिस्पेक्ट में इसको ऑर्थो, मेटा, पैरा, बगल वाले को ऑर्थो, उसके बाद वाले को मेटा, उसके बाद पैरा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे आई है, फिर पैरा पे आई है, फिर
ऑर्थो पे आई है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे नहीं गई। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजिशन पे होता ही नहीं है। लिखो इसको, मेजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजिशन, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही कहानी चल रही है रेजोनेंस की। यानी ठीक है पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, पर सबसे ज्यादा कहां बढ़ी है? ऑर्थो पे और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया रेजोनेंस के थ्रू, किया इलेक्ट्रॉन उतारा इसको, यहां उतारा माइनस, फिर यहां उतारा, फिर यहां उतारा माइनस। अब देखो यहां मेटा पे माइनस नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है प्लस एम इफेक्ट, कहां पे? ऑर्थो और पैरा पे। क्लियर? चलिए अब माइनस एम इफेक्ट देखते हैं। लेट अस सी माइनस एम इफेक्ट, लेट अस सी माइनस एम इफेक्ट, लेट अस सी माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। अभी मैं इंडक्टिव इफेक्ट की कोई बात नहीं किया, माइनस एम इफेक्ट। मान लो यहां मैं लगा दूं NO2 ग्रुप, ठीक है, अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे प्लस आना चाहिए पर ये बॉन्ड आके उसको संभाल लेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहां आएगा प्लस चार्ज। बोलो सही है, है? यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, इस कार्बन को नुकसान हुआ प्लस, इस कार्बन को कोई फर्क नहीं, नाइट्रोजन कोई फर्क नहीं, एक बॉन्ड लूज किया एक बॉन्ड मिल गया। आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब कैसे बनेगा? इसको हम यहां लाएंगे ना, प्लस चार्ज को देख के भाग आएगा इधर, वो ए ये यहां आया, इस कार्बन का कोई नुकसान नहीं, पहले इधर से बॉन्ड था, अब इधर से बॉन्ड है, इस कार्बन का नुकसान हुआ इस पे प्लस, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुए। फिर इसको यहां लाएंगे, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए इस लेक्चर के लिए, तो इसको इधर लाए यहां, यहां पे प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड N, O माइनस और ये O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर आगे बढ़ेंगे, अब क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे और ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर वापस यहां आ जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन यहां भागे, प्लस चार्ज खत्म, नाइट्रोजन पे प्लस आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए बॉन्ड वाले। अब देखो क्या रेजोनेंस कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। अब मुझे बताओ ये कौन सा इफेक्ट है? पहली बात तो पहली बात तो ये माइनस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं रिंग से। सो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं। अब बात है कहां पे ज्यादा डिक्रीज की है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। यहां पे देखो प्लस आया, मेटा पे प्लस नहीं आया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब है प्लस चार्ज आ जाए। तो प्लस चार्ज कहां कहां आया? ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं आया। मैं बोल रहा ना मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं। एनीवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन होल रिंग, पहली बात तो ये पूरी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, बट स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अब आपको समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन खींचे यहां प्लस चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन की बहुत भारी मात्रा में कमी, बहुत भारी मात्रा में कमी, बहुत भारी मात्रा में कमी, यहां भी कमी हुई है मेटा पे, पर उतनी कमी नहीं हुई कि प्लस चार्ज दिखे। तो आपको समझ में आया कि मेजोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग से या तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है या तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है थ्रू रेजोनेंस। दूसरी बात यह समझ में आई कि प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं और ऑर्थो और पैरा पे कुछ ज्यादा ही दे देते हैं, वहां पे माइनस चार्ज दिखने लगता है। माइनस एम वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और ऑर्थो पैरा से ज्यादा खींचते हैं, वहां पे प्लस चार्ज दिखता है। क्लियर? क्लियर? माइनस एम इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहा है। चलिए इसके बेसिस पे मैं आपको पहले एक सिंपल सा सवाल दे दूं, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ
डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे आप इनको अरेंज करें। चलिए आपके पास तीन रिंग है, आपको बताना है किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, किसमें कम, किसमें सबसे कम। यहां पे देखो OH है प्लस M इफेक्ट, लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहां पे C अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल बॉन्डेड है, पाई बॉन्डेड है, तो ये इधर जाएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस M इफेक्ट, यहां नो इफेक्ट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, ये A। इसके बाद कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, C। इसके बाद B, क्योंकि B घटा रहा है और C में कोई इफेक्ट नहीं, तो प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, नो इफेक्ट से कुछ नहीं हुआ, माइनस M से घट गई। A C B, A C B, A C B, क्लियर। अच्छा अब जरा मैं आपको एक कंफ्यूजिंग बात बताता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां OH लगा है, आप बोलोगे ठीक, हम बोलेंगे ठीक। OH इलेक्ट्रॉन को रिंग में देना चाहेगा फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिंग में देना चाहेगा, पर क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचना भी तो चाहेगा। ये कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी यहां पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। बात आती है दोनों में से ज्यादा डोमिनेट कौन करता है ना। अगर माइनस आई डोमिनेट करेगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो आपको एक लाइन लिखनी है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इफेक्ट इससे कहीं ज्यादा भारी भरकम है। सो प्लस एम विल डोमिनेट माइनस आई, ओवरऑल ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जैसे मान लो मैं आपको फिर से ये एग्जाम्पल दूं, NH2 ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा प्लस M इफेक्ट से और रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस M से, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओवरऑल ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बिकॉज प्लस M डोमिनेट्स माइनस I। मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट का ज्यादा भयानक रूप है, उससे ज्यादा भयानक इफेक्ट है, उसको डोमिनेट कर देता है। जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास ये कंपाउंड है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ग्रुप है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा, तो हमने देखा नाइट्रोजन जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, उससे डायरेक्टली कोई पाई बॉन्डेड नहीं है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो प्लस एम इफेक्ट, पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट, पर हमने देखा प्लस एम डोमिनेट्स। So in nearly all the cases, in nearly लिखोगे all the cases, mesomeric effect dominates inductive effect। अगर इन दोनों में कभी competition हो mesomeric और inductive में, तो mesomeric ही जीतेगा, except halogens। अब सुनो, मान लो ये फ्लोरोबेंजीन है, तो फ्लोरीन लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट से, रेजोनेंस से। दूसरा फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा माइनस आई इफेक्ट, और ये एक्सेप्शनल केस है जहां पे देखा जाता है माइनस आई डोमिनेट्स प्लस एम। हैलोजेंस के केस में ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग डिक्रीज करते हैं, खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पे इनका इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा होता है, सिर्फ हैलोजेंस के केस में, बाकी किसी केस में सोचने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लस एम से और खींचा माइनस आई से, एंड माइनस आई डोमिनेट्स प्लस एम। तो यहां से आपको कुछ बातें पता चली, एक तो कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव से कहीं ज्यादा खतरनाक है,
और हमेशा मेसोमेरिक इंडक्टिव पे रूल करता है, परंतु किन्हीं किन्हीं जगह जैसे कि हैलोजन, जैसे कि यही एग्जांपल हैलोजन, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट पे डोमिनेट करेगा। क्लियर है? मिटा दें? ओके, चलिए फिर से मैं वही सवाल लेता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। आपको बताना है विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, और इस पे आपको अरेंज करना है। चलिए ऑप्शन ए, याद है एक दिन तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी। प्यारा सा क्वेश्चन बन गया है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए अरेंज करिए खुद से, 1 2 3 4, वीडियो को पॉज करके अरेंज करिए रिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 1 2 3 4 मैं करने जा रहा हूं। चलो इसके पास है प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, पर आपको पता है कि डोमिनेट कौन करता है, प्लस एम। इसके पास है लोन पेयर की वजह से प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, पर यहां डोमिनेट कौन करता है, माइनस आई। इसके पास मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है मिथाइल ग्रुप के पास, देखो ना डबल बॉन्ड है ना लोन पेयर, पर इसके पास अगर आपको याद हो तो प्लस आई इफेक्ट होता था, इंडक्टिव इफेक्ट, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है ना, टर्शरी ब्यूटाइल, ये सब इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, प्लस आई। इसके पास है माइनस एम इफेक्ट और ध्यान दो तो माइनस आई भी है, नाइट्रोजन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो माइनस आई माइनस एम दोनों मिला के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, बढ़िया अच्छी बात है, मतलब दोनों लड़ नहीं रहे आपस में, इंडक्टिव भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन दो, मेसोमेरिक भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन दो। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिंग में कौन बढ़ाएगा, तो यहां ये तो खींच रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये खींच रहे हैं और ये दे रहे हैं, ये मेसोमेरिक से दे रहे हैं, ये इंडक्टिव से दे रहे हैं, कौन ज्यादा देगा, मेसोमेरिक। मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है और मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब मेसोमेरिक इंडक्टिव से आगे रहेगा दोनों ही कहानी में, तो सबसे ज्यादा ए, इसके बाद सी आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी दोनों तो खींच रहे हैं। अब ये खींच रहा है माइनस आई से, ये खींच रहा है माइनस एम और माइनस आई से, तो भाई साहब माइनस एम से अगर कोई खींचेगा तो डेफिनेटली माइनस आई से ज्यादा खींचेगा, यानी इसमें लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं रिंग में, पूरा खींच डालेगा, तो ये तो लास्ट में चला गया, बीच में आ गया भी। ए सी बी डी, समझ में आई कहानी? सबसे ज्यादा रिंग में देता है मेसोमेरिक, उसके बाद रिंग में देता है इंडक्टिव, उससे ज्यादा खींच, फिर उसके बाद खींचता कौन है, माइनस आई, और सबसे ज्यादा कौन खींचता है, माइनस एम। क्लियर है? क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है, तो ऑर्डर विल बी ए सी बी डी। अब देखो इसी में कई बार बोलता है इनमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, सेम बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब होता है लवर, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का लवर कोई आएगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के लवर को कौन सी रिंग अपने में एक्सेप्ट करेगी, वही करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होता है, देखो ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रोफाइल केमिस्ट्री में ई प्लस, इन सब पे ई प्लस ने अटैक किया, कौन सी रिंग ई प्लस को रख लेगी, जो इलेक्ट्रॉन की लवर होगी, ये वाली जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो E प्लस जैसी चीजों को रख लेगी। तो ऐसे भी पूछते हैं कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताइए कौन शो करेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब E प्लस को रखना है अपने अंदर, तो वही रिंग E प्लस को एक्सेप्ट करेगी, आगे पढ़ेंगे ये भी हम अलग से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म अभी आगे आएगा, तो वही रिंग E प्लस को रखेगी जिसके पास खूब ढेर सारा नेगेटिव चार्ज हो। जैसे अगला देखो,
चलो अब हमसे पूछा इसमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, मतलब कौन इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा, मतलब किसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो भाई साहब यहां से आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहां से खींचेगा माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई नहीं है कार्बन है, खैर होगा देखा जाएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करता है प्लस एम और खींचता भी है यानी माइनस आई, और डोमिनेट कौन सा करता है माइनस आई हैलोजन्स में, हैलोजन्स में अच्छा ये इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एम और खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से माइनस आई, पर डोमिनेट करता है मेसोमेरिक, सब में मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव से ज्यादा है एक्सेप्ट हैलोजन्स। अब देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है सबसे ज्यादा सी, मतलब सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा, प्लस चीज को ले लेगी रिंग क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये सबसे ज्यादा घटा रहा होगा, सबसे तेज खींच रहा होगा माइनस एन, सबसे पीछे ये चला गया, और उसके बाद बी, बी भी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पर ये उससे ज्यादा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम इसमें। क्लियर है यहां तक, बढ़िया से मस्ती से सुंदर से प्यारे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहानी समझ में आएगी, वही कहानी है यहां, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वही ऑर्डर होगा जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जितनी ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ लेगा प्लस चार्ज को। मिटा रहे ओके, धीमे धीमे कंसेप्ट बन रहा है, बहुत बढ़िया। क्या मैं एक बहुत ही खूबसूरत सवाल ले लूं, ले लूं क्या, ले लूं, चलो पहले आसान लेते हैं एक और। अब आप बताइए ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का या रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का, अब आप बताएं। चलिए रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का NO2 शो करेगा माइनस एम माइनस आई, CN शो करेगा माइनस एम, OH शो करेगा प्लस एम और माइनस आई शो करेगा पर माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा, NH2 शो करेगा प्लस एम और माइनस आई पर माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा प्लस एम। लड़ रहे थे ना, देखो इसमें दोनों लड़ नहीं रहे हैं इसलिए हमने काटा नहीं, वो भी खींच रहा है भी खींच रहा है, उसमें एक खींच रहा है माइनस आई एक प्लस एम दे रहा है, तो दोनों में से डोमिनेट मेसोमेरिक। अब इसमें सबसे ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सी और डी, ओए होए सर दोनों दे रहे हैं और दोनों मेसोमेरिक से दे रहे हैं, समझो ये भी मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये भी मेसोमेरिक से, और ये दोनों खींच रहे हैं दोनों मेसोमेरिक से खींच रहे हैं, अब डिसीजन कैसे लें, अब फैसला कैसे लें। तो अब आपको आना चाहिए ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट और उसी तरह से ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, कौन सबसे ज्यादा माइनस एम दिखाता है कौन उससे कम। तो ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट लिखेंगे और एज इट इज याद करेंगे, सी एच टू प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से, देखो प्लस है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब रेजोनेंस कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा थ्रू रेजोनेंस, तो सबसे पहले आता है CH2+, उसके बाद आता है हमारा NO2, उसके बाद आता है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद आता है हमारा C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, उसके बाद आता है C डबल बॉन्ड OCH3 मतलब कीटोन ग्रुप, यहां पे कुछ भी हो सकता है ऐसे R भी लिख सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्डर ऑफ माइनस एम, यानी इन दोनों में किसका माइनस एम ज्यादा है इसका, यानी ये लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा रिंग में, सबसे ज्यादा ये खींचेगा CH2 प्लस NO2 C ट्रिपल बॉन्ड N एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, नोट कर रहे हैं कि नहीं सर, सब याद कर लेगा हमारा दिमाग, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, सबसे ज्यादा रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सबसे ज्यादा जो हमारा रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हो जाएगा हमारा CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस,
इसके बाद O माइनस, अब इसके बाद आएंगे न्यूट्रल स्पीशीज। देखो ये ऑर्डर क्यों हुआ समझा सकते हैं, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। कौन अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट करना चाहेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होंगे, है ना, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होंगे वो जल्दी डोनेट करेगा। मतलब ये क्यों नहीं आगे आया, ये क्यों आगे? तो भाई साहब कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। स्टेबिलिटी का क्या तरीका होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखकर स्टेबल होता है, यानी इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल ये होगा, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखकर स्टेबल हो सकता है। तो ये स्टेबल है कंपेयर्ड टू दिस, और ये स्टेबल है कंपेयर टू दिस क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जब कोई चीज स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं, ये बहुत अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं पा रहा तो तुरंत उसको डोनेट कर दिया। तो CH2-NH-O-, इसके बाद आएगा हमारा न्यूट्रल NH2, इसके बाद आएगा NHR 1 डिग्री, अमीन, इसके बाद आएगा NR2 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भी बन जाए, इसके बाद आएगा हमारा OH ग्रुप, इसके बाद आएगा ओ आर ग्रुप, OCH3 OC2H5, इसके बाद आएगा हमारा NHCOCH3 ग्रुप, और सब पे लोन पेयर, देखो डोनेट क्या करेंगे, इसके बाद आएगा OCOCH3 ग्रुप। ये ऑर्डर हो गया प्लस एम इफेक्ट का और ये माइनस एम। अब इससे आप डिसीजन ले सकते हैं, इसको नोट करें, नोट करें इसको। अब आप फैसला ले सकते हैं, न्यूट्रल में सबसे पहले NH2, फिर NHR, फिर NR2। ये वाला ध्यान देना, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं और नीट में ये सवाल आया भी हुआ है, यहां बहुत मिस्टेक होती है, बच्चे OR को OH से ज्यादा समझते हैं। अब रीजन देने को बहुत रीजन दे सकते हैं, अब जो वैल्यूज देखी गई थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया फैक्ट यही निकला, OH denotes more electron than OR through resonance, इसका रीजन है, बैठ के लंबा समझाएं, उसको टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि भाई R alkyl ग्रुप है, समझो मैं बता रहा हूं कि गलतियां क्यों करते हैं बच्चे, बोलते हैं OCH3 है तो ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऐसे डोनेट करेगा इसकी वजह से ज्यादा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये स्पीशी इतनी स्टेबल पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, इतना स्टेबल ये रेजोनेंस नहीं कर पाते, ठीक है। आर ग्रुप थोड़ा बल्की होता है, उसकी वजह से पाई बॉन्ड डिस्टर्ब होता है, शॉर्ट में बता रहे हैं। खैर अभी समझ में आए सब चीजें, CH2 प्लस NO2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड CHO COR COH, फिर यहां पहले CH2 माइनस NH माइनस OH माइनस, नेगेटिव स्पीशीज पहले लिया, कैसे हुआ ये हमने बता दिया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो थोड़ा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज साथ, और ये बहुत कम स्टेबल इलेक्ट्रॉन तो नहीं डोनेट करेगा, इसके बाद न्यूट्रल में NH2 NHR NR2 OH OR NHCO CH3 OCO CH3, क्लियर है। अब बताओ ऊपर वाला ऑर्डर, अब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये दोनों, इनमें भी ज्यादा प्रायोरिटी डी की, इसके बाद सी, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींच रहा, ये तो, ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे ही नहीं, सबसे पीछे DCBA इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस ऑर्डर में होगा, मिटा दें, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर था, बहुत बढ़िया। चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगला सवाल, बस अब जेई का सवाल हम लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लें पहले एक बार। रिंगा रिंगा रोजिच पॉकेट फुल ऑफ पोजिच चीच टू माइन चिंगी चिंगी चिंग चिंगी चिंगी चिंग सीएचओ। क्लोरीन OCH3, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताइए, आप सोच के खुद से बताइए, ट्राई करिए एक बार पॉज करके ट्राई करिए। चलिए CH2 माइनस
रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एम के थ्रू, सी एच ओ रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस एम के थ्रू, सी एल रिंग में देगा प्लस एम के थ्रू और खींचेगा माइनस आई से और यहां पे माइनस आई डोमिनेट, ओ सी एच थ्री रिंग में देगा प्लस एम के थ्रू। तो सबसे ज्यादा रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है ए और डी, ए और डी में से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो है ए। तो सबसे पहले ए उसके बाद डी। अब इन दोनों में से रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, मेसोमेरिक वाला ज्यादा खींचता है तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा और ये उससे ज्यादा, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी। अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सवाल देने वाला हूं, इसको मिटा दूं, मिटा दें, ओके। अब मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सवाल देने वाला हूं, उसके बाद हम एसिडिक ऑर्डर पढ़ेंगे जहां से जेई में सवाल आए। पहले एक क्वेश्चन और सुन लो, आया नहीं है कभी पर मान लो कभी पूछ लिया आपसे, कहा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग के बेसिस पे अरेंज करो OH। सुनना बड़ा प्यारा सवाल है, फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, हमसे बोला इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अरेंज करो। एक बार आप ट्राई कर लो, पहले ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ये भाई साहब रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्लस एम से और खींचेंगे माइनस आई से और प्लस एम डोमिनेट करता है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे प्लस एम से और खींचना चाहेंगे माइनस आई से और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है हैलोजन में, ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे प्लस एम से और खींचना चाहेंगे माइनस आई से और इनमें भी इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। सबसे ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए बढ़ाएगा, इसके बाद बताओ फ्लोरीन के पास कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव, क्लोरीन के पास कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा और बीच में आएगा क्लोरीन। बोलो सही है, मैं बोला फ्लोरीन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी सबसे कम होगी तो पीछे चला गया। बोलो, पर ये ऑर्डर निकला गलत, करेक्ट ऑर्डर है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। बात आती है ये क्यों हुआ, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू, ये ज्यादा डोनेट कर रहा, समझो समझो समझो, यहां दो इफेक्ट चल रहे हैं, मेसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों चल रहे हैं, मेसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों चल रहे हैं, समझो समझो। हमने बनाया फ्लोरोबेंजीन, याद करना हो तो याद कर लेना, अभी पहले सिखा दूं, हमने बनाया फ्लोरोबेंजीन, हमने बनाया क्लोरोबेंजीन, ओवरऑल दोनों का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम पे, ठीक है। मान लो फ्लोरोबेंजीन का जो प्लस एम इफेक्ट है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो मान लो है 10, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया 10 से, क्लोरीन का मेसोमेरिक इफेक्ट फ्लोरोबेंजीन से बहुत कम होता है, मान लो 2, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करना चाहता है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी ज्यादा देर तक रख नहीं सकता, छोटे छोटे ऑर्बिटल छोटा छोटा घर तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर फेंकता है, क्लोरीन के पास बड़ा घर है तो इलेक्ट्रॉन फेंकने की इतनी जल्दी नहीं है, इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट इसका मान लो है मेसोमेरिक से ज्यादा, मान लो 12 है ना, ओवरऑल देखो नेट इफेक्ट देखो क्या है, नेट इफेक्ट है पुल का, कितना पुल है 2 का, है ना, माइनस 2 लिख लो ऊपर की तरफ, नेट इफेक्ट क्या है पुल का है कि नहीं, 10 से नीचे 12 से ऊपर, क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट भी इससे कम होगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट डेफिनेटली इससे कम है पर उतना कम नहीं है, जैसे मान लो ये 10 है कम तो हो गया इससे, क्लोरीन का मेजोमेरिक इफेक्ट भी फ्लोरीन से कम है और इंडक्टिव इफेक्ट भी फ्लोरीन से कम है, मेजोमेरिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है बिकॉज ऑफ साइज, इंडक्टिव में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया, ये 12 से खींच रहा है ये 10 से, यहां पे नेट इफेक्ट किसका है पुल का है, यहां पे भी पुल तो दोनों ही कर रहे हैं, ओवरऑल देखो माइनस आई, नेट इफेक्ट पुल का है, कितना पुल होगा 10 माइनस 2 8। अब बात समझ में आई,
ये नेट 8 से पुल कर रहा, ये नेट 2 से पुल कर रहा, क्लियर है। मेसोमेरिक इफेक्ट भी क्लोरीन का कम, इंडक्टिव भी कम। मेसोमेरिक में बड़ा डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना चाहता है मेसोमेरिक से, ये उतना देना नहीं चाहता। और इंडक्टिव करीब करीब बराबर है, फिर से बोलता हूं, इंडक्टिव करीब करीब बराबर है, फ्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा, मेसोमेरिक इसका बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा देता है। तो ओवरऑल आप देखो किस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें, ये तो बहुत खींच रहा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इससे। आप एक लाइन में लिखकर इसको याद कर लो, फ्लोरोबेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन क्लोरोबेंजीन। अगली बार ये प्रॉब्लम आपको टेंशन नहीं देगी, इस पे सवाल आया नहीं अभी तक। फ्लोरोबेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन क्लोरोबेंजीन। अब ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, फ्लोरोबेंजीन देन क्लोरोबेंजीन। अब कंफ्यूजन नहीं रखना, क्लियर क्लियर, ओके बच्चों। अब यहां तक करते करते आते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के अगले एप्लीकेशन पे। पहला तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें जितनी कम उसमें उतना कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ई प्लस, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, ई प्लस को एक्सेप्ट करना, प्लस को वही लेगा जिसमें माइनस ज्यादा। अब बात करते हैं बच्चों एसिडिक ऑर्डर की, एसिडिक ऑर्डर, ठीक है, कि एसिडिक ऑर्डर कैसे डिसाइड करें, और यही से सवाल आए हैं जेई में भी, 97 का सवाल हो, 2003 का सवाल हो, 2013 मेंस का सवाल हो। तो प्यारे बच्चों कोई चीज अच्छा एसिड है कि नहीं, मान लो एक एसिड लिया HA, वहां से H प्लस निकला और A माइनस। अब ये HA H प्लस तब ही बनाएगा अगर ये स्पीशी स्टेबल हो। H प्लस लूज करने के बाद बची हुई स्पीशी यदि स्टेबल होगी तभी ये बढ़िया एसिड होगा। जितनी ज्यादा स्टेबल ये स्पीशी उतना बढ़िया ये एसिड। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा। मान लो यहां पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं COOH, और यहां पे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं COOH, और यहां पे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं COOH। यहां मान लो ए, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा, बी पे मान लो यहां पे NO2 लगा दिया, और सी पे मान लो यहां पे OH ग्रुप लगा दिया। अब हमसे पूछा कि कौन सा इसमें से सबसे बेटर एसिड है, तो प्यारे बच्चों बेटर एसिड वो होगा जो H प्लस निकालने के बाद स्टेबल स्पीशी बनाए। यहां से मान लो H प्लस निकल गया तो बचेगा COO माइनस COO माइनस COO माइनस। अब यहां तो कोई ग्रुप उप नहीं है, यहां NO2 है जो कि माइनस M और माइनस आई इफेक्ट से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, यानी चार्ज कम हो, तो वो चीज स्टेबल होती है। प्यारे बच्चों जो भी चीज लेस चार्ज लेती है वो चीज मोर स्टेबल होती है, जिसके ऊपर लेस चार्ज वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज को इसने खींच लिया और ये स्टेबल हो गया। यहां पे देखो OH ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अंदर पुश कर दिए, व्हाई, बिकॉज ऑफ प्लस M इफेक्ट। इसमें माइनस आई भी होगा बट डोमिनेट तो प्लस M करेगा, तो प्लस M की वजह से इलेक्ट्रॉन को पुश किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इधर गए, मतलब ऑलरेडी इस पे नेगेटिव था, तुम इसको और नेगेटिव दे रहे हो, तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और उसके कंपैरिजन में ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर पूछें तो सबसे पहले बी आएगा, बी में ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, उसके बाद ए आएगा क्योंकि एक में ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, और सी में स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो लास्ट में सी आएगा, बी ए सी। अब ऐसे इसको याद मत कर लेना कि माइनस एम इफेक्ट से बढ़ेगा प्लस एम इफेक्ट, ना तुम सिंपल समझो, एसिड से H प्लस निकलने के बाद जो स्पीशी है वो स्टेबल होनी चाहिए, बची हुई स्पीशी स्टेबल हो। कोई चीज स्टेबल तब होगी जब उसके ऊपर चार्ज कम हो जाए, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब वो स्टेबल। कंसेप्ट क्लियर, चलो सवाल करते हैं, मिटा दें इसको। अच्छा
मैं घुमाता हूं बातों को थोड़ा और, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अपन 2013 में इसका सवाल ले लेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। मैं फिनॉल्स ले लेता हूं यहां पे, OH A B OH CH3 C OH C ट्रिपल बॉन्ड N D OH, यहां मानो लगा दिया क्लोरीन। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक फिनॉल, सबके सब फिनॉल है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल कौन है और ऑर्डर में अरेंज करो। भाई साहब यहां नो इफेक्ट, यहां पे CH3 कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट, C ट्रिपल बॉन्ड N इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस M इफेक्ट से, Cl इनका जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो क्या है, डोमिनेटिंग इफेक्ट इसका माइनस आई है, प्लस एम भी होगा पर प्लस एम इतना ज्यादा शो नहीं करता। अच्छा अब सब में से H+ निकालो, फिनॉल में से H+ निकला, H+ निकला, H+ निकला, H+ निकला, ठीक है। अब बताओ O के ऊपर माइनस है, जो नेगेटिव चार्ज को खींच ले यानी कम कर दे वहां से वो ज्यादा स्टेबल करेगा, ये नहीं खींचेगा ये तो बढ़ाएगा, ये खींचेगा और ये खींचेगा, दोनों खींच रहे हैं, दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव से ज्यादा खींचता भी है, इंडक्टिव से ज्यादा देता भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा तो ये मोस्ट स्टेबल सी, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ऑक्सीजन पे, उसके बाद आएगा डी। अब इन दोनों में देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो ये तो अनस्टेबल कर देगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है, तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी। आइए ले लेते हैं 2013 मेंस का सवाल, चलिए अब आप डिसीजन लीजिए, पॉज करके आप अपने आप इसको एसिडिक ऑर्डर में खुद से अरेंज करें, पॉज कर लें ट्राई करें। चलिए कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया, चलिए मैं करता हूं। यहां पे कौन सा इफेक्ट है, क्लोरीन आपको पता है माइनस आई शो करता है, प्लस एम नहीं लेते, सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन देता है किससे, प्लस आई से, एनओ टू इलेक्ट्रॉन खींचता है माइनस एम से भी माइनस आई से भी, ओ सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन देता है प्लस एम से और माइनस आई से खींचता है पर डोमिनेट प्लस एम करता है। यहां से एसिडिक ऑर्डर तब पता चलेगा जब H+ निकलेगा, H+ निकला माइनस, H+ निकला O पे माइनस, H+ निकला O पे माइनस, H+ निकला O पे माइनस, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन से कम करेगा वो चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एक तो ये कम कर रहा है एक ये कम कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के वहां से कम कर रहे हैं, दोनों स्टेबल करेंगे, ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, माइनस आई की माइनस एम, माइनस एम तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आ जाएगा ए, ये दोनों रिंग में सॉरी ये दोनों रिंग में या ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये प्लस एम से, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाओगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगी स्पीशी, ऑलरेडी माइनस चार्ज है, दोनों में से ज्यादा कौन बढ़ाएगा, मेसोमेरिक, ज्यादा देता भी है ज्यादा लेता भी है तो यह क्या हो जाएगा मोस्ट अनस्टेबल, तो यह सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो फिर बी और फिर डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन सवाल, एक और आया हुआ है जेई 2009 में, जेई 2009 में, मिटा दें इसको, ओके। सो आईआईटी जेई जब मेंस नहीं होता था, जब एआई ट्रिपली को मेंस समझा जाता था उस समय की बात है, यानी ये मेन आईआईटी का सवाल है 2009, बोला है एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करें, चलिए अरेंज करिए, पॉज करके खुद से ट्राई करिए, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, पॉज करके खुद से ट्राई करें, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहां देखो नो इफेक्ट, यहां पे माइनस आई, यहां पे नो इफेक्ट और यहां पे प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन खींचना ही होगा क्योंकि H+ निकलेगा तो माइनस बचेगा, तो यह सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, तो सबसे पहले ये होगा और ये गलती होती है। प्यारे बच्चों ये दोनों फिनॉल है, ये दोनों बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड फिनॉल से काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैंने एसिडिक ऑर्डर आपको पढ़ा रखा है, पहला लेक्चर जीओसी का फर्स्ट लेक्चर
जीओसी 01 फिजिक्स वाला इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में मैंने आपको एसिडिक ऑर्डर पढ़ाया था। बेंजोइक एसिड का एसिडिक ऑर्डर फिनॉल से काफी ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इनका और इनका कोई कंपैरिजन नहीं। पहले इनको देखो, अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये तो प्लस आई इफेक्ट है, जब एच प्लस निकलेगा तो सीओ माइनस बचेगा, है ना, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो अनस्टेबल, तो पहले सी आएगा फिर डी आएगा। इन दोनों का इनसे कोई कंपेरिजन नहीं करना है, क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल सी डी। अब इन दोनों में देखो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ एच प्लस निकलेगा ओ माइनस, इलेक्ट्रॉन थोड़े से खींचेगा डेंसिटी थोड़ी कम होगी, तो सी डी बी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? सी डी बी ए मिटा दें, ओके। इसके बाद 97 में एक सवाल आया था, पर उसको करने के लिए आपको मैं एक पहले सवाल दिखाता हूं, देखना ध्यान से, ऐसा सवाल अभी आपको नहीं दिया हमने। मान लो हमसे कहता है एसिडिक ऑर्डर बताइए ए बी सी, हाय हाय हाय, अब लगे हुए ग्रुप सेम है, यहां से H+ निकलेगा CH2- बचेगा, कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? इसके पास माइनस एम माइनस आई, इसके पास माइनस एम माइनस आई, इसके पास माइनस एम माइनस आई, यानी इफेक्ट तो सबका सेम है। अब क्या करें? अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट किस पोजीशन पर वर्क करता था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वर्क करता था। मेटा पे ना ही नेगेटिव दे पाता है, मेटा पे ना ही प्लस चार्ज दे पाता है, यानी इस पोजीशन देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हुई, ये मेटा हुई, ये पैरा हुई, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा है, और यदि इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये मेटा होगी। देखो ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये ऑर्थो हुई, ये मेटा हुई, यानी इस जगह पे ना ही ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है थ्रू रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा, पैरा पे मिलेगा, मेटा पे नहीं। वो एग्जांपल देख लो, अच्छा करके दिखाता हूं, देखो मान लो, सुनो, अरे सुनो, मान लो यहां से H+ निकल गया CH2-। अब अगर NO2 यहां पे प्लस प्रोड्यूस कर सके, यहां पे प्लस प्रोड्यूस कर सके तो इसको स्टेबलाइज कर देगा, पर देखो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कैसे खींचेगा वो देखते हैं। N डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ने इधर खींचा, N ने कहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, कौन वाला खींचवा ले, ये वाला खींचाना पड़ेगा, फिर पूरे जाना, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां से खींचा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां पे प्लस आएगा, ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां पे प्लस आएगा, ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो प्लस सीधा यहां जंप कर जाएगा, इस पोजिशन पे देखो प्लस नहीं आ पाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन ने खींचा, एन ने यहां से खींचा, यहां इलेक्ट्रॉन कम हुई प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे यहां पे प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे यहां पे प्लस, इस जगह पे प्लस चार्ज दे ही नहीं पाएगा। कहां कहां इफेक्ट किया, ऑर्थो मेटा पे नहीं किया, पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पोजीशन पे देख रहे हो प्लस चार्ज नहीं आ रहा, ऑर्थो और पैरा पे। तो यदि NO2 या किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे ग्रुप है तो वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होगा, यानी यहां NO2 सिर्फ दिखाएगा माइनस आई। तो CH2- को स्टेबलाइज ये करेगा, वो करेगा, और ये कम करेगा, सिर्फ माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब बात आती है कि ये B तो सबसे पीछे चला गया, तो लिस्ट में सबसे पीछे तो B हो गया, ये दोनों माइनस एम से भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, अब इसमें भी माइनस एम, उसमें भी माइनस एम। मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। पर अगर याद हो, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो ज्यादा पास होगा वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, मतलब इसका माइनस आई इसके माइनस आई से ज्यादा होगा, तो ओवरऑल वो जीत जाएगा। तो सबसे पहले सी स्टेबलाइज करेगा, फिर ए, फिर बी। सी में माइनस एम माइनस आई, ए में माइनस एम माइनस आई, बी में सिर्फ माइनस आई, और इसका माइनस आई ए से ज्यादा है। आपको याद रखना है, मेटा पोजीशन पे
अगर ग्रुप है तो मेसोमेरिक इफेक्ट देखो कहां जा पा रहा है, यहां से चला जाएगा, यहां से करके दिखाऊं, अरे भाई मैं दिखा सकता हूं, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे सर क्या बात कर रहे हो, दिखा दिखाते हैं, यहां गया, यहां आएगा, यहां पे क्या आया प्लस, फिर ये यहां आएगा, अब यहां पे क्या आया प्लस, भाई साहब ये यहां आएगा तो इसको डिफिशिएंसी होगी प्लस, ये भेज सकता है प्लस, वो भेज सकता है, मेटा पोजिशन नहीं भेज सकती। इसी कंसेप्ट पे आईआईटी 2009 में एक सवाल, सॉरी 1997 में एक सवाल आया, आईआईटी 1997 का एक सवाल है, सवाल हमसे कहा ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में अरेंज करें, चलिए ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, सबके सब फिनॉल है, ट्राई करें, यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, स्टार्ट करूं, नो इफेक्ट, यहां पे प्लस आई, यहां पे अब बताओ NO2 है तो माइनस एम, पर इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे है तो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, और इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप पैरा पे है और तो मेटा पैरा, तो माइनस एम भी माइनस आई भी, H+ निकलने के बाद स्टेबलाइज करना है, H+ O- H+ O- H+ O- H+ O-, तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम करना है, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा D वाला, उसके बाद कौन खींचेगा C वाला, उसके बाद A वाला, और B वाले में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। क्लियर है एसिडिक ऑर्डर, क्लियर है, पक्के से क्लियर है, बहुत बढ़िया, मिटा दें, ओके। तो अब मैं आज का आखिरी सवाल ले रहा हूं जिसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे फ्रॉम द टॉपिक मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच इज मोस्ट एसिडिक। याद हो तो पिछली बार मैंने ऊपर CH3 लिखा था, इस बार OH लिखा है, और जो एग्जांपल दिया उसमें ये ऑप्शन नहीं था, अगर याद करो तो वो ऑप्शन नहीं था। अब एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, यहां पे लगेगा माइनस एम माइनस आई, ऑर्थो मेटा पैरा पे, यहां से ऑर्थो मेटा पे आ रहा है तो सिर्फ माइनस आई, यहां से ऑर्थो पे आ रहा है तो माइनस एम और माइनस आई दोनों। अब ये दोनों ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा सी, क्योंकि उसका माइनस आई ज्यादा होगा, उसके बाद बी सॉरी उसके बाद ए उसके बाद बी, बी में सिर्फ माइनस आई से स्टेबलाइजेशन, इसमें माइनस एम माइनस आई से, उसमें माइनस एम माइनस है, उसका माइनस आई से ज्यादा, बट एक्चुअल ऑर्डर ये नहीं है, एक्चुअल ऑर्डर पाया गया ए सी बी, नोट करें क्यों ऐसा होता है, क्या करें नहीं ऐसी बात नहीं है, समझाते हैं, पहले नोट करें ए फिर सी फिर बी, हाय उसका माइनस आई तो पास में है सर, फिर ये क्या, समझो इस कंपाउंड में क्या हुआ, यहां पे एक भारी भरकम चांसेस थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, जैसे पिछली बार CH3 जब ऊपर जुड़ा था तब फोन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा था, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, देखो यहां से थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींच के डेल माइनस डेल प्लस, अब ये ऑक्सीजन इससे चिपक कर क्या बना लेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये H+ इतनी इजिली बाहर नहीं निकल पाता, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, तो हमेशा ऑर्थो पोजीशन की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, देखना हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बढ़ रहा, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा तो पैरा की ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर, और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा तो ऑर्थो का ज्यादा होगा, मेटा का तो हो नहीं सकता ना जब तक माइनस एम ग्रुप लगा है, क्लियर, तो ये ऑप्शन। तो यहां पे हम मेसोमेरिक इफेक्ट के टॉपिक को खत्म करते हैं, आई होप आपको मेसोमेरिक इफेक्ट पूरा समझ में आया, इस नोट्स को बार बार रिवाइज करें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।